तो भाई इस वक्त हम आए हुए हैं फार्म हाउस में फैमिली के साथ और इन्जॉयमेंट चल रही है खूब, पूल वूल में नहा रहे हैं और पीछे का माशाल्लाह बैकग्राउंड देखें आप, क्या खूबसूरत पेड़ शेड़ लगे हुए हैं। तो भाई इस वक्त आपका भाई 5.5 फुट के करीब पहुँच चुका है, बल्कि 5.5-6 फुट के करीब पहुँच चुका है। और ये देखें भाई ये पानी है, गहरा हो गया, जितना आगे जा रहा है उतना गहरा हो रहा है। चलो जाओ जाओ जाओ, तो भाई इस वक्त क्रिकेट चल रही है और आउट हो चुके हैं और ये चीटिंग कर रहे हैं, आउट है भाई, आउट है। देखा मौसम हो रहा है भाई औसम, और इतनी आवाम आई हुई है, इतनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। तो भाई आप वेदर चेक करें, माशाल्लाह काली काली घटाएं, काले काले बादल, नीचे समंदर माशाल्लाह। और इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, अभी मगरिब में 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन ये देखें मौसम, देखें कितना खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की फुहार भी हो रही है, नीचे समंदर और माशाल्लाह लहरें की आवाज़ें। तो भाई माशाल्लाह बारिश थोड़ी सी तेज़ शुरू हो चुकी है और ऊपर से भी भीग रहे हैं हम, नीचे पानी में भी इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत औसम वेदर हो रहा है भाई। जी तो भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं हूँ ज़ुहेब खान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हमारा प्लान बना है फार्म हाउस जाने का, और फैमिली के साथ फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बना है, और इस वक्त समझो 6 बजे हमें निकलना है, और अभी टाइम हो गए हैं 4:00 वाले हैं भाई। आपके भाई का होलिया देख लो, ना शेप बनाइए ना बाल कटवाए, तो अपना जाके होलिया थोड़ा सुधारूँ और शेप भी बनवाऊँ जाके, तो फिर आपसे मिलता हूँ मैं डायरेक्ट फार्म हाउस पे। तो भाई जिस किसी ने अभी तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, वो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई इस वक्त हम आए हुए हैं फार्म हाउस में फैमिली के साथ और इन्जॉयमेंट चल रही है खूब, पूल वूल में नहा रहे हैं, और पीछे का माशाल्लाह बैकग्राउंड देखें आप, क्या खूबसूरत पेड़ शेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे बॉलिंग के साथ गेम वेम चल रहा है, स्लाइडें चल रही हैं और बॉलिंग के साथ गेम वेम चल रहा है, और भाई तुम्हारा इंजॉय कर रहा है यहाँ पे, फुल चशके वाली पार्टी चल रही है, फैमिली वगैरह साथ है और बच्चे भी आए हुए हैं मेरे साथ, पूरी फैमिली है। और आपके भाई को स्विमिंग इतनी आती नहीं है, लेकिन इंजॉय कर रहा है पानी में, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी। भाई ये अलीजा माशाल्लाह स्विमिंग सीख चुकी है, और ये तैरते आ गई है, ये तैरते आ गई है भाई, तैरते आ गई है, ये मुझे ना गिरा दिया। अलीजा का माशाल्लाह स्विमिंग आती है भाई, इब्राहिम भी सीख चुका है और अलीजा भी सीख चुकी है, और खूब तैर रही है भाई अलीजा है, बता रहे वहाँ तक करते दिखाओ ना, चले जाओगी जाओ 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 जरा जाओ, अभी तो देखो जाओ, बिल्कुल अच्छी स्विमिंग करके जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बहुत गहरा है, चले चले जाए, कोई बात नहीं, बच जाएंगी आप, टेंशन मत लो, बचा लेंगे, मैं बचा लूंगा भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं बचा लूंगा, मुझे भी आती है, यहाँ से वहाँ तक जाऊँ। अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, पहुँच गई भाई, पहुँच गई, बॉल भी आ गई है। तो भाई अलीजा ने स्विमिंग कर ली, और ये बॉल आ गई है भाई। तो भाई इस वक्त आपका भाई 5.5 फुट के करीब पहुंच चुका है, बल्कि 5.5-6 फुट के करीब पहुंच चुका है। और ये देखें भाई ये पानी है, गहरा हो गया, जितना आगे जा रहा है उतना गहरा हो रहा है। नाक पकड़ियो, नाक क्यों पकड़ियो आप, हैं नाक के बगैर करो ना, नाक की पिन तो आपने घुमा दी है, इब्राहिम नाक की पिन के बगैर करता है, इब्राहिम अब क्रिकेट पे चला गया ना, इब्राहिम ने बहुत स्विमिंग करी, अब स्विमिंग के बाद क्रिकेट पे चला गया इब्राहिम। A few moments later. तो भाई इस वक्त क्रिकेट चल रही है और आउट हो चुके हैं, और ये चीटिंग कर रहे हैं, आउट है भाई, आउट है, नहीं नहीं आउट है, आउट है, हमने भी आगे से झेली है भाई, हमने भी आगे से झेली है, आगे जख्मी करने वाला था, जज्बात में आके कर रहे हो बॉलिंग, बहुत अरसे बात कर रहा हूँ, साल हो गए। भाई क्या बनवा रहे हो, हैं पराठे शराठे बनवा रहे हो, और ये खाने के बनवा रहे हो, टिक्की टिक्की बन रहे हैं यहाँ पे, हम पराठे गरम गरम धुएं उठते हुए टिक्के आ गए, और अभी इसके बाद होने वाला डिनर हमारा, बिरयानी शिरानी भी है वो अंदर रख दी है, और अभी हमने पट्टी शट्टी खेली है, गेम शेम खेला है, और थक शक गए, डब्बू शब्बू खेला है भाई, बहुत अरसे बाद, बहुत बचपन में पहले खेलते थे कभी। तो भाई माशाल्लाह मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, ये देखें बारिश हो रही है, इस वक्त रात का टाइम है, और ये देखें
ये फुहार पड़ रही है, बूंदें तेज तेज पड़ रही है स्विमिंग पूल के ऊपर, और बड़े मज़े का मौसम हो रहा है और सुबह भी बड़ा इंजॉयमेंट वाला मौसम होगा। तो भाई यहाँ पे ये झूले शूले लगे हैं और ये हमारे मौलाना साहब झूले शूले झूल रहे हैं। मौलाना ही तुम्हारी उम्र है झूला झूलने की, बताओ। दिल तो बच्चा है ना यार, दिल तो बच्चा नहीं क्या बोल सकते, दिल तो बच्चा है भाई, क्या बोल सकते हैं भाई, क्या समझाएं इसको, क्या समझाएं। ये हमारे सात भाई हैं और बड़े नाइस बंदे हैं, नाइस बंदे ना आप कह रहे हैं भाई, हाँ कह रहे हैं नाइस बंदे हैं भाई। और ये आ गया है ग्राउंड और यहाँ पे अभी मैच चल रहा था क्रिकेट शिकेट, आपके भाई ने बैटिंग करी आधे पौने घंटे, आपको भाई को कहीं आउट ही नहीं कर पाया, ऐसी बैटिंग करी आपके भाई ने और सारी बॉलें शोले सब पेड़ों के अंदर चले गई हैं। यहाँ पे इतने पेड़ हैं कि सारी बॉलें हमारी घूम गई हैं, मिल नहीं रही भाई, कहाँ चली गई हैं सारी बॉलें। तो बस अभी बारिश हो रही है और खाना शाना बनने वाला है, तो फिर आपको दिखाते हैं खाना शाना भी, इंजॉयमेंट करते हैं और बड़े मज़े का माहौल चल रहा है इस वक्त, फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं फार्म हाउस पे आए हैं भाई। ये मौलाना लटक गया पूरा, लटक गया पूरा। ये अभी गिरता, ये अभी पेड़ को गिराता, पेड़ से बंधा हुआ है, पेड़ को गिराता है ये। तुम यहाँ पे भी वॉक करना शुरू हो गई हो क्या हैं भाई? यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है, फुहार शुहार हो रही है तेज, और एंजॉय कर ले लोग, और हमारी बेगम यहाँ पे वॉक करना यहाँ पे भी शुरू हो गई है, वॉक करना नहीं भूलती है भाई ये। तो भाई ये पूल साइड पे बेंच लगी हुई है और यहाँ जरा बेंच पे बैठ जाते हैं, नेट लगा हुआ है लेकिन कपड़े गीले ना हो जाए, कपड़े गीले हो जाएंगे दोबारा बड़ी मुश्किलों से सूखे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट वाला मौसम हो रहा है, ये देखें फुहारे पड़ते हुए आपको पानी के अंदर टिप टिप बरसा पानी दिख रहा होगा, और ये देखें पीछे का बैकग्राउंड, ये देखें पेड़ शेड़ लगे हुए हैं, खूबसूरत माहौल बना हुआ है। हमारी बेगम शेगम स्लाइड पे आ गई हैं, कहाँ स्लाइड पे गिर जाओगी, पूरा गीली हो जाओगी स्लाइड पे पानी में, मुझे लग रहा है ये डुबकी मारने वाली हैं शायद, लेकिन ये पिक्चर के लिए बैठी हैं, ये अभी गिरने वाली हो तुम नीचे, ये पिक्चर खिंचवा रही है भाई, पिक्चर खिंचवा रही है स्लाइड पे बैठ के। भाई यहाँ गेम शेम लगे हुए हैं, पट्टी शट्टी डब्बू सबू, आ जाओ भाई खाना लग गया। इब्राहिम यहाँ पे गेम खेल रहा है डब्बू, और पट्टी शट्टी भी लगी हुई, अभी हमने खेला इसको। तो भाई यहाँ खाने वाने का सेटअप लग गया, इस वक्त लग रहा है दस्तखान यहाँ पे, और अब लगने वाला है खाना, और ये आ गई है भाई देख शेख बिरयानी की, और ये जान लगा के हिला रहा मेरा भाई, ऊपर नीचे पलट दे। तो भाई आपके भाई ने बिरयानी शिरयानी निकाल दी है और रायता शायता डाल दिया है, अब करते हैं हम डिनर। तो भाई पिकनिक से वापस आ गए थे, कल का व्लॉग आके बस मैंने डाला नहीं, हम जा रहे हैं अचानक बस सुबह के टाइम पे, फजर में नाश्ता वाश्ता करने के बाद घर पहुंचे, घर आने के बाद तुम्हारा भाई सो गया था भाई, बहुत तकन थी पानी में डूब छूब लगाने की, तो बस फिर रात पे बारिश हो गई थी, बारिश को एंजॉय कर। और जिस किसी ने अभी तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ वो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और भाई बहुत खांस रहा है ये इसका ना इसकी खांसी में एक ही दम निकालूंगा, गले के अंदर इसके ना बलगम फंसा हुआ है, निकल के नहीं दे रहा तो मेरा एक ही दम इसके मैं निकालता हूँ उल्टा करने के बाद, अभी पूरी रात नींद नहीं आई इसके खांसने की वजह से। 2000 years later. गाइस फाइनली आज हम लोग पहुंच गए होक्स पे, अचानक वाली पिकनिक का दोबारा प्रोग्राम, दो तीन दिन पहले फार्म हाउस गए थे वो वीडियो आपको दिखाई, और दो तीन दिन रेस्ट करने के बाद आज हम आ गए हैं होक्स पे, क्योंकि कराची का मौसम हो रहा है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ रास्ते, बारिश होते हुए आई है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हल्की हल्की धीमी धीमी फुहार, और इस मौसम में तो भाई फिर घूमना बनता है ना। तो गाइस वेदर चेक करें आप, ओए हो क्या मज़े का मौसम हो रहा है भाई, ऑसम, और इतनी आवाम आई हुई है, इतनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, और ये देखिए ये मौसम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हल्की हल्की फुहार हो रही है, और कराची का वेदर इस वक्त चुम्मी वाला मौसम हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, we'll be right back.
वक्त हम आ चुके हैं मनोड़ा के हदूद के अंदर और यहाँ पे बड़ी सख्ती है, आईडी वगैरह कार्ड साथ लेकर आइए क्योंकि चेक पोस्ट आती है यहाँ पे रेंजर्स की, वो लोग आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं तो उसके बाद फिर आपको एंट्री देते हैं अंदर जाने। और ये देखो रास्ता देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और सेफ साइड है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, अच्छी सिक्योरिटी है और आर्मी के अंडर आता है ये एरिया पूरा, ये आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह और रास्ते बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। इस वक्त आ चुके हैं वेलकम टू मनोरा बीच। तो भाई फाइनली मैं इस वक्त आ गया हूँ मनोरा बीच पे और बहुत ही खूबसूरत बीच बना हुआ है, रश बहुत ज्यादा है क्योंकि वीकेंड है, छुट्टी का दिन है और बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हो रही है, दो तीन दिन रह गए हैं तो इस वजह से रश बहुत है। तो हट्स हमने अभी लिए, देखिए हट्स यहाँ बने हुए सारे, तो इसमें से मैंने एक हट बुक करवाया है जिसमें फैमिली को बिठाया अपनी और मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी में थोड़ा भीग लूँ, पाँव गीले कर लूँ, थोड़ा इंजॉयमेंट कर लूँ। तो ये देखें समंदर की लहरें माशाल्लाह। भाई मेरे साथ इब्राहिम की तबीयत सही नहीं है तो मैंने कहा इब्राहिम आप नहाना मत, से पाँव गीले करना, तो आप लोग दुआ करें भाई। ये देखिए क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, फुहार हो रही, पूरे रास्ते मुझे बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बस अचानक हमारा आज ऐसे ही इंतजाम बन गया होना पाते। ये देखें समंदर की लहरें, फुहार ऊपर से हो रही है बारिश की और पानी आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, वेदर बहुत खूबसूरत है, वेदर देखिए। ये इब्राहिम गीले मत होना, गीले मत होना। हाँ ये देखें भाई ये पीछे जाते हैं अचानक, ये भाई क्या पीछे जा रहे हो, पानी अपने साथ भाई, हमें पानी पीछे ले जा रहा है, अपने साथ पाँव खींच के पीछे ले जा रहा है। ये देखो अब लहर आएगी, ये देखो ये लहर आई, अब ये जब वापस जाएगी ना तो ये पानी भी लेके जाएगी हमें, बहुत ही बड़ी लहर आ रही है, ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई ये ओए अब ये पीछे आएगी तो हमें लेके जाएगी, पकड़ के लेना, ये पीछे आ रहे भाई पीछे आ रहे, ये हम रिवर्स जा रहे हैं भाई, रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। ये देखें भाई रेत, देखें रेत बहुत अच्छी है, दोबारा पीछे आ रहे हैं और ये लहर आई, ये ऊपर तक आ रही है, ये देखें भाई आप पीछे आओगे, वापस पीछे आओगे, वापस पीछे जाएगा ये इब्राहिम भाई, ये वापस पीछे भाई, जब पानी वापस जाता है ना तो लहर एकदम से लगता है हम रिवर्स जा रहे हैं, पानी हमें खींचता हुआ ले जाता है, तो एहतियात करनी चाहिए दादा, आगे नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग तो खैर पाँव भी धो रहे हैं, जरा सा भीग रहे हैं, दादा आगे नहीं जा रहे हैं। और बहुत रश है देखें, फुल चल रहा है इसमें, ये गंदे क्या कर रहे हो, रेत में खेल रहा है, रेत में खेल रहा है भाई, इब्राहिम रेत में खेल रहा है। और ये देखिए अब लहरें दोबारा आने वाली है, अभी हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं, हमारे पैर हैं इधर, पानी खुद आएगा इब्राहिम सही है ना, और हमारे पैर साफ हो जाएंगे देखना, अभी अभी आगे से लहरें आ रही हैं, थोड़ा सा हम पीछे खड़े हुए हैं, ये आया ये अब देखो जाएगा जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये भाई, काफ़ी सालों बाद इंजॉयमेंट करने का मौका मिला है, बहुत कम आता हूँ मैं कराची के अंदर हूँ लेकिन बहुत कम आता हूँ ऐसी जगहों पे, हालांकि हमें अलग तरह की नेमत है, समंदर दिया हुआ है, देखिए कुदरत का निज़ाम कैसा, पानी चलता आ रहा है, लहरें आ रही है, कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं है। तो मैं साल भर बाद तकरीबन यहाँ पर आया हूँ, पहले एक साल पहले आया था और अब दोबारा आया हूँ यहाँ पर, तो इंजॉयमेंट हो रही है भाई, ये संडे का दिन है और इंजॉय करें हम लोग। तो भाई आप वेदर चेक करें माशाल्लाह, काली काली घटाएं, काले काले बादल, नीचे समंदर माशाल्लाह, और इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, अभी मगरिब में 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन ये देखें मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की फुहार भी हो रही है, नीचे समंदर और माशाल्लाह लहरें की आवाज़ें, और क्या बात है भाई, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है आज कराची का।
भाई आप लोग बोले होंगे तो रेड कलर की शर्ट पहन के घूम रहा था, ब्लैक टी शर्ट में कैसे आ गया? तो मैं अपने कपड़े साथ लेकर आया था, गाड़ी में मैंने शर्ट चेंज करी और आज से तकरीबन एक साल पहले हम यहाँ पे आए थे मनोड़ा बीच पे, उस वक्त हम आए थे शिप के ऊपर बैठ के, उसका ब्लॉग भी मेरे लिंक में है, जाके जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और वो ब्लॉग भी मेरा देखें, बहुत जबरदस्त ब्लॉग था। शिप पे लोग बैठ के यहाँ पे मनोड़ा आए थे और आज हम लोग आए हैं बाय रोड यहाँ पे मनोड़ा, तो बहुत इंजॉयमेंट हुई है। बाय रोड भी बहुत जबरदस्त रोड बने हुए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि कितना खूबसूरत रोड, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी बनी हुई। तो भाई माशाल्लाह बारिश थोड़ी सी तेज शुरू हो चुकी है और ऊपर से भी भीग रहे हैं हम, नीचे पानी में भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मौसम हो रहा है भाई। रहा नहीं जाता। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं ऊँटों की सवारी भी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं ऊँटों की सवारी को, और इब्राहिम को मैंने बोला लेकिन इब्राहिम मना कर रहे हैं, इब्राहिम ऊँट पे नहीं बैठ रहे आप, मुझे सब वापस आ गए थे और आके जब घर आया तो भाई कमर ने बड़ा दर्द करा, खूब जिस्म में पेन चल गया था आपके भाई का, तो ब्लॉग एंड नहीं कर सका और अभी करता हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि आज 14 अगस्त भी है और पटाखे छिड़ाके बहुत फूट रहे हैं भाई यहाँ पे, बहुत आवाजें आ रही है पटाखों की, ठक 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 ठक, कंट्रोल कंट्रोल। और अभी भी बाहर खूब पटाखे छड़ाखे बजे हैं भाई, खूब फायरिंग हुई है, तो आपके भाई ने तो शरीफ बच्चों की तरह घर पे 14 अगस्त मनाई है, तो कल इंशाल्लाह ताला देखते हैं 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, जिस किसी ने अभी तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ वो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दो और ठोक दो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ठोको।